होगा और इन भावनाओं के साथ आज जो शुरुआत हो रही है, अवसर मिला तो फिर और आपके सामने और आपके साथ मुलाकात होगी। आज जो मुझे यहाँ मंच पर सम्मान दिया आपने, जो हमारे प्रति प्रेम जो रखा है, ये सोच करके भी ये समाज का प्रतिनिधित्व है, मैं आपकी इस भावना का सम्मान करता हूँ, आप सबका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गावरी साहब। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे समाज के अध्यक्ष, मेवार पंचायत वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष श्री पुष्कर जी चौहान साहब से कि आप उद्बोधन देकर सबको गौरवान्वित करें। मंच पर विराजमान रिटायरमेंट गैराज अधीक्षक श्री बाबूलाल जी चौहान साहब, बाबूलाल जी गांवरी साहब, मदन जी केसरिया, संजय जी भक्तानी, राकेश जी, सम्मानित मंच, आज जो आयोजन हो रहा है और उस आयोजन को करने के लिए जो भी शख्सियत है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये पहल करके जो आज सभी बस्तियों के और जो आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों का जो नीलामी ऑप्शन करके जो टीमें बनी हैं उन सबका मैच देखने लायक है और बड़ा कसमकस मैच हो रहे हैं। एक क्रिकेट में जुड़ाव, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी के लिए, सबसे पहले उदयपुर में वाल्मीकि समाज का क्रिकेट का जो एक अपनी जो उपस्थिति थी या अपने क्रिकेट में जो श्री गंगाराम जी चावरिया साहब जो दीपक के अंकल थे, आरसीए में थे और यूनिवर्सिटी से खेलते थे, उसके बाद धीरे 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 रणजी निकले तो उसके बाद फिर एक जुनून आया, उसके बाद कई खिलाड़ी निकले हैं जिनमें अगर पहले पंक्ति में अगर उनका नाम लिया जाए तो कोमल जी, राकेश जी और भी ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर क्लब को चलाया, उससे कई खिलाड़ी निकले, सुखड़ा लीग में भी टीम उतरती थी, तो उन लोगों ने बहुत प्रयास किया और आज जो खेल की जो प्रतिभा है समाज की वो आज राजस्थान लेवल पे भी चमकती है। और एक जो सबसे पहले जो एक सबसे अहम बात है और आप सभी खिलाड़ियों का एक ध्यान देने वाली बात है, एक कोमल जी राठौड़ साहब है जिनकी सुपुत्री है नरगिस राठौड़, जो आपके हमारे बीच में आप सब लोगों के बीच में खेल के कोमल जी ने उसके लिए बहुत प्रयास किया और आज वो राजस्थान आरसीए से जुड़ी हुई है, कोच है और राजस्थान क्रिकेट टीम की अंडर 19 टीम लेके वो बाहर गई है, तो ये बहुत बड़ी समाज के लिए उपलब्धि है और भगवान आप पूरा समाज और हम सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अगर जो मंच बना है, खेल का माध्यम बना है, जितने भी युवा खिलाड़ी है उन सबसे निरंतर बच्चा है, तो हमने जो आरसीए से यूडीएसए से जुड़े हुए लोग भी हैं और कबड्डी से जुड़े हुए लोग भी हैं जो अपना सब कुछ दे रखा है, तो मेरा यह है कि अगर कोई अच्छी इच्छा रखता है और टैलेंटेड बच्चा है, इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो आयोजन करता है उन बच्चों का भी आप विशेष तौर से ध्यान दरें और उनको एक सही दिशा और सही गाइडलाइन की तरह उनको आगे दिशा निर्देश दें ताकि भविष्य में वो अपने समाज का नाम रोशन कर सके। और आप लोगों ने ये बुलाया, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन जो अभी जो ताकत बताई युवाओं की समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं और अभी आने वाला समय युवाओं के कंधों पे है और हम चाहते हैं कि युवा हर जगह हर अपनी सहभागिता निभाए, सब जगह उपस्थिति दर्ज कराए, तो जो पुराने जो अग्रज हैं उनका भी हौसला बढ़े और काम आगे बढ़े, इसलिए मैं यहाँ बुलाया और बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद और आभार। धन्यवाद पुष्कर जी चौहान साहब। मंच पर जितने भी विराजमान अतिथिगण हैं सभी समय निकल कर पधारे हैं, मैं अब धन्यवाद के लिए भाई श्री दीपक प्रताप जी चावरिया से निवेदन कर गूँ, कृपया धन्यवाद की रस्म अदा करें। द्वितीय वाल्मीकि क्रिकेट प्रीमियर लीग 2021 के उद्घाटन समारोह में सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों की ओर से आप सभी पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस प्रतियोगिता में
ये जो आयोजक हैं, खिलाड़ी हैं, उनका उत्साहवर्धन के लिए पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रतियोगिता अपने आप में एक अलग है। मेरे जैसे क्रिकेट में, हालांकि मैं शारीरिक शिक्षक हूँ लेकिन मेरा खेल क्रिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रतियोगिता से जुड़ने के पीछे कारण ये रहा कि इसका फॉर्मेट इस प्रकार का है कि ये हमारी सामाजिक सहभागिता को बढ़ा रहा है। कारण ये है कि हमारे उदयपुर में समाज के लगभग 20-22 मोहल्ले हैं, लेकिन सभी मोहल्लों में खेल प्रतिभाएं नहीं है। कहीं कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो कहीं क्षेत्र ऐसा है कि 2-4 खिलाड़ी मिलेंगे। तो जब कभी पहले टूर्नामेंट होता था तो स्थिति ये होती थी कि जब कॉलोनी वाइज जब टूर्नामेंट होता था तो कम टीमें उतर पाती थी, तो कम बच्चों को खेलने का मौका मिलता था। जैसे कि एक क्षेत्र में मल्लातलई अपन पकड़ लें, वहाँ क्रिकेट की बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन टीम तो 11 की ही बनेगी, तो वहाँ पर 25 लोग हैं तो खेलने का मौका 11 को मिल रहा है, बाकी रुक गए। तो जैसे हमारा हिरण मंगरी, वहाँ पर क्रिकेट का बहुत कम चल रहा है, वहाँ वॉलीबॉल का चल रहा है, तो हमारे वहाँ खिलाड़ी 3-4 ही है तो टीम नहीं उतर पाएगी, तो भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन ये फॉर्मेट इस प्रकार का है कि इस पूरी टीम ने जो प्रयास किया कि पूरे उदयपुर के जितने क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन सबको एक सूचीबद्ध कर लिया, सूचीबद्ध करके उनको ग्रेड भी दी इन्होंने, अच्छे खिलाड़ी, सबसे अच्छे खिलाड़ी, साधारण खिलाड़ी, बॉलर, बैट्समैन सबको चुन लिया। चुन करके इन्होंने लॉटरी से बराबर बराबर 16 टीमें माना बांटा, तो ये अलग प्रकार का कंपटीशन हो गया, अलग प्रकार की प्रतियोगिता हो गई। अब इसमें क्षेत्रवाइज कंपटीशन नहीं है, क्षेत्रवाइज कंपटीशन नहीं है तो कटुता भी नहीं बढ़ेगी, और सब खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेल रहे तो निश्चित रूप से एक दूसरे का परिचय बढ़ेगा, स्वार्थ की भावना बढ़ेगी, स्वार्थ की भावना सहभागिता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से आगे भविष्य में कोई भी अन्य कोई मुद्दा चलेगा समाज को लेकर के, तो ये टीम निश्चित रूप से, क्योंकि एक दूसरे से परिचित होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को जानते होंगे, तो समाज को आगे ले जाने का काम ये टीम करेगी। मैं स्वयं इस टीम में ये खेल रहे हैं जो, और जो आयोजक हैं, इनमें एक सुनहरे भविष्य को देखता हूँ। एक बार पुनः आप सभी पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बिल्कुल जी, आज जो वाल्मीकि समाज के इस वाल्मीकि क्रिकेट प्रीमियर लीग के संयोजक और उनकी टीम, उनका एक अच्छा प्रयास रहा कि वाल्मीकि समाज की विभिन्न में 35 बस्ती और करीब हर बस्ती में 1-2 प्लेयर, 5 प्लेयर, 7 प्लेयर रहते हैं, तो उनको क्या है, कभी कभी वाल्मीकि समाज के टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें भाग लेने के लिए एक बस्ती का नेतृत्व, तो ये एक प्रीमियर लीग उस हिसाब से संयोजकों ने तैयार की कि हर बस्ती का प्लेयर आ जाए और सभी को ऑक्शन के माध्यम से सबकी एक टीम उसके ओनर बन जाए।